हेलो एवरीवन। तो गाइज आज हम लोग देखेंगे आपका पार्ट टू। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जो कि ICAR एग्ज़ाम या फिर IARI एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज बनाई जा रही है। साथ साथ ये आपका RRB ग्रुप डी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट वन में 5 क्वेश्चन किए थे, आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छा उसको सराहा भी गया था। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट टू, इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 6 से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका अलजेब्रा से एक क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू जो है इसमें इस हिसाब से दिया है कि x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू है वो 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x पावर 5 प्लस 1 बाई x पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक में लिखा हूँ, 2 क्वेश्चन और बनते हैं, तो उन दोनों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। होता क्या है, ऐसा आपको दिया रहेगा और आपसे जो पूछ लेगा वो पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे x पावर 5 और प्लस 1 बाई एक्स पावर 5 की वैल्यू पूछा है, या आपसे पूछ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पूछ सकता है, या इसके अलावा क्वेश्चन बनता है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की भी वैल्यू पूछ सकता है। तो मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, एक आपको शॉर्टकट से बताऊंगा, एक नॉर्मल। पहले आप नॉर्मल से समझ लीजिए, आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे जो गिवन है उसी पे वर्क करो। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको क्या दिया है, 3 दिया है। अच्छा आपको निकालना क्या है, पहले मान लो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, दोनों में तरीका बताऊंगा। तो अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे दोनों साइड का। तो आपको बहुत अच्छे से पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बच्चों वाली चीज है, 9th की चीज में बता रहा हूं, ये a हो गया ये b हो गया, रख दो उठा के। अच्छा मैं क्यों स्क्वायर कह रहा हूं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो ये आपका a हो गया और b हो गया, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू क्या है 1/x से कट जाएगा और दोनों साइड स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें ये निकालना है, तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 9, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा आपका सिंपल 9 - 2 मतलब 7। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं आपको कहा हूं ना कि खाली एक क्वेश्चन वो लगेगा आपको, बाकी उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा आप कह रहे थे कि सर शॉर्टकट के बारे में आप क्या बता रहे थे, तो भाई शॉर्टकट का मतलब होता है अगर आपको x प्लस 1 बाई x की वैल्यू a पता है तो आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू, तो आप क्या कर दीजिए, खाली a स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए। तो उस हिसाब से आप खुद बता दीजिए, अगर आपको x प्लस 1 बाई x की वैल्यू 3 पता थी तो मैं आपसे पूछता x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 9 - 2 मतलब कितना, आप समझ सकते हैं कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 7 है यहाँ भी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, की पॉइंट बना के आप कहीं जहाँ भी नोट्स बना रहे होंगे उसको नोट कर लीजिएगा कि अगर x प्लस 1 बाई x की वैल्यू आपकी ए है तो ये हो जाएगा। आप मान लीजिए भूल जाते हैं एग्जाम में ये चीज रटना आपको दिक्कत, तो आप एक्सपेंड करके कर लीजिए, ठीक है। अब बात आती है सर क्यूब वाले में क्या करते हैं, तो भैया जैसे हमें x प्लस 1 बाई x पता है ना, 1/x की वैल्यू 3 पता है और हमें क्या निकालना है, क्यूब, तो हम क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27। ओके चलिए, अच्छा अब यहाँ पे फिर आप फंस जाएंगे अगर जो आपको a प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता है, नोट कर लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे रख दो x प्लस 1 बाई x का होल क्यूब जो हो जाएगा ये a क्यूब देन प्लस b क्यूब प्लस 3ab हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 1 बाई x हो जाएगा a और b की, क्योंकि यही वैल्यू है, क्लियर। चलो x x खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ क्या हमें इसकी वैल्यू पता है, अच्छा x प्लस 1 बाई x की वैल्यू तो पता है ना, जो कि है कितना, 27 है, सॉरी 27 नहीं है, x प्लस 1 बाई x तो 3 है ना, और 3 का क्यूब करेंगे जो कि यहाँ किए थे तो कितना है, तो 27 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो हमें निकालना है x प्लस 1 बाई x का, ये कट गया 3, अच्छा बताओ x प्लस 1 बाई x की वैल्यू कितनी थी, तो सर ये कितनी थी, 3 थी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। चलो अच्छा हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, तो उस हिसाब से x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की जो वैल्यू होगी, इस चीज़ को इधर भेज दीजिए, तो 27 माइनस
ये हो जाएगा और कितना हो जाएगा 9, 8, 17 होता है तो उस हिसाब से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बात आती है सर सेकंड मेथड जो आप बता रहे थे, तो सेकंड मेथड देखो क्या होता है, मैं की पॉइंट बना के अगेन यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू a पता है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब की वैल्यू, तो ये हो जाती है ए क्यूब माइनस 3 है। नोट कर लो बहुत अच्छे से ये भी, और ये तो मैंने आपको नोट करा ही दिया। बात आती सर वेरीफाई करा दीजिए, तो चलो करा देते हैं। ये देखो ये पता था ना एक्स प्लस 1/एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, तो मैं क्या कह रहा था एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो ए क्यूब माइनस 3 है, तो ए क्यूब माइनस सर कितना 3a हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और a की वैल्यू यहाँ 3 थी तो 27 और माइनस क्या 9, 27, 9, 8, 17, ठीक है, तो कितना आ गया देखो 18 आ गया कि नहीं, तो आप चाहते तो दोनों निकल जाते, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इससे बनता है जो कि मैंने आपको बताया। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे मेन पूछा गया है वो, और अच्छी बात ये है कि ये दोनों उसमें इन दोनों की जरूरत इसको निकालने में पड़ेगी, किसको, इसको निकालने में, इस वजह से मैं आपको ये दोनों भी निकलवा दिया। अलग अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक साथ भी बन सकता है, साथ आपके सामने दिखा है। अच्छा चलो अब हमें निकालना है x पावर 5। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। अच्छा ये बताओ सर, अभी तक जो हमें पता था तो हमें स्क्वायर का फार्मूला पता था, क्यूब का फार्मूला पता था, लेकिन अब तो यहाँ 5 आ गया पावर, हम क्या 5 टाइम्स को इसको करेंगे, तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा और कर भी हम सहन ना पाए, या 5 बार लिखे मल्टीप्लाई। तो हम ये सोचते हैं कौन से ऐसे दो एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो कि हमें पता हो और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए 5 आ जाए। मेरे कहने का ये मतलब है जैसे हमें एक्स स्क्वायर हम यहाँ से निकाल लेते हैं ना, देखो निकाल लें, और यहाँ पे क्या है क्यूब भी निकाल सकते हैं, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों का बेस सेम है, कितना आ जाएगा एक्स पावर 5 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³। आपके दिमाग में आया सर इन्हीं दोनों को, क्यों, क्योंकि मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पे ही 5 मिलेगा, तो आपके दिमाग में आएगा क्या सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होगा, तो जी नहीं बिल्कुल ये नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, मतलब 5 का टर्म तो आएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा उसको भी देख लेंगे। अब देखो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको उठाओ इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा बाबू एक्स पावर 5 हो जाएगा, फिर इसको उठाओ इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना एक्स क्यूब हो जाएगा, ओके इससे उठाओ इसको कर दो तो एक्स क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर इसको उठाओ इससे कर दो तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या एक्स क्यूब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ ये क्यूब है और ये स्क्वायर कट गया, और ये क्यूब है ये स्क्वायर कट गया, बचा क्या एक्स पावर 5 प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये दोनों का एक्स पावर 5, तो इतनी चीजें बची है ना एक्स पावर 5 प्लस 1/x⁵, ठीक है, और क्या बचा, और भी तो कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये कितना बच रहा है ध्यान दीजिएगा जस्ट अ मिनट, ये क्या बच रहा है यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है एक्स प्लस 1/x बच रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर इतना लिखना है तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ जा रहा है, क्योंकि इसको अगर आप इतना लिखना चाह रहे हो सकता है, मैं समझाते समझाते थोड़ा लेंदी कर जा रहा हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता, इसको मैं इतना लिखा था लेकिन एक टर्म ये क्या आ गया एक्स्ट्रा, बाकी तो वही कॉपी हो गया, तो हम इसको ऐसे कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और एक्स क्यूब इंटू 1/x³, और इसमें से मैं यही टर्म क्या कर दूं माइनस कर दूं, तब तो बात ओके है ना भाई। अब इसको मैं इतना लिख सकता हूँ, इसको मैं इतना नहीं लिख सकता था, क्यों, क्योंकि ये टर्म क्या आ जा रहा था एक्स्ट्रा आ जा रहा था, अब चीज़ें बहुत इजी हो गई। अच्छा स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्क्वायर वाला कितना आया था 7 आया था, क्यूब वाला कितना आया था 18 आया था ना, ये देखो क्यूब वाला कितना आया था 18 आया था, और माइनस एक्स प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56 हो जाएगा, 6 और 5 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद माइनस 3 कर दीजिएगा और ये हो जाएगा कितना 123, कितना जाएगा 123, तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा हो सर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया, तो जी नहीं, एकदम नहीं लेंदी हुआ। अभी मान लो खाली हमसे ये क्वेश्चन, हम देखो तीन क्वेश्चन इसमें मर्ज कराया है आपको, तो खाली स्क्वायर पूछता ये ट्रिक वाले से तुरंत निकल गया, 10 सेकंड बहुत है। क्यूब वाले में ये भी निकल गया, और जब ये दोनों निकल गए तो मल्टीप्लाई करने में बस इतना ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स्ट्रा आ रहा था तो इसको मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, रख दिया 123 का आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए फिर, ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए तुरंत। और क्या कहते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बहुत ध्यान से इसको करने की कोशिश करिएगा। अब जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपसे चाहूँगा आप प्लीज़ उसी तरीके को फॉलो करिए, कभी ये गलती नहीं होगी, जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर लो। अच्छा, कॉस्ट प्राइस का मतलब आप जानते हो, CP होता है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में खाली C लिखूंगा, P लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। सेलिंग प्राइस को मैं क्या लिख दूंगा, सेलिंग प्राइस को मैं खाली क्या लिख दूंगा, एस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर हम सामान खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस जिस पर हम बेचते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे से पता होगा कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका क्या हो, ज़्यादा हो जाए, और कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो, कम हो जाए, मतलब बेच आप ज़्यादा कर रहे हो, खरीद आप कम कर रहे हो। और लॉस कब हो जाएगा, अच्छा इसी प्रॉफिट को ही गेन भी बोलते हैं, आप अच्छे से जान रहे होंगे। और लॉस कब होगा, जब आप इसका उल्टा हो जाए, है ना, खरीदें आप ज़्यादा पे और बेच आप कम पे रहे हो। ठीक, चलिए उससे खैर कोई मतलब नहीं, बस मैंने बता दिया, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कैंडल, तो 10 का सी जो है इज इक्वल टू एस ऑफ 8 कैंडल, इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग, हमेशा जब भी आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन मिले आप तुरंत उनका रेशियो निकाल दिया करिए। तो बताओ सी बाई एस यहाँ कितना होगा, तो सी बाई एस, बताओ 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10 नीचे आना चाहिए और ये क्या जाना चाहिए, 8 कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वही चीज़ मिल जाएगी। अब इसको मिनिमाइज कर लो, 2 4 जा और 2 5 जा। अब ध्यान से समझ लो, 4 का खरीदे 5 का बेचे, खुद बताना 4 का लॉस परसेंट पूछा है, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो 4 का खरीद रहे हो, 5 का बेच दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक भाई 4 का कोई सामान खरीदे 5 का बेचे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट या गेन परसेंट जो होगा एक का फायदा, 4 का खरीदे 5 का बेचे एक का फायदा कितने पे, हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पर कैलकुलेट किया जाता है, CTP पर, तो कितना होगा 4, है ना, 4 का खरीदा 5 का बेचा एक का फायदा कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे, इनटू क्या कर दो 100, क्योंकि किस में चाहिए, परसेंटेज में कर दिए, कट कर दीजिए, कितना जाएगा 4 × 8 25%, मतलब क्या होगा, गेन होगा 25% का। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, इजी क्वेश्चन था, बट हो सकता है आपके पास कोई और मेथड रहा हो, मैं इस मेथड को बेस्ट मानता हूँ जो कि मैं आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मान लो ऊपर 5 आता नीचे 4 आता, तो 5 का खरीदा 4 का बेचा एक का घाटा कितने पे, हमेशा आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, तो नीचे 5 आ जाता। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं राइट करता हूँ, जो कि आपका रहेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सिंपल, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ अ हेमीस्फेयर, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, सिंपल आपसे पूछा है कि उनके जो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो यही है। अच्छा, हिंदी के अगर जो आपको चाहिए क्वेश्चन, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हिंदी में भी क्वेश्चन लिखना है, तो मैं लिख दूंगा, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए स्फेयर है, गोला है उसका, देखिए ध्यान से, एक स्फेयर है और एक क्या है, हेमीस्फेयर है, और उनके वॉल्यूम का रेशियो पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों का पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, 4/3 πr³ होता है। ठीक है, और अगर यही मैं बात करूं, हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला, जो कि ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसे करके बनेगा, कटोरा जो अपने के घर में होता है, और गोला का मतलब आप समझ लीजिए क्या होगा, फुटबॉल जो होता है। ठीक है, दो हेमीस्फीयर को जोड़ दो तो एक गोला बन जाएगा। अच्छा बताओ इस हेमीस्फीयर क्या होता है, जस्ट इसका आधा होता है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका जस्ट आधा होगा। तो बताओ इसका आधा क्या, 4/3 πr³ था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2/3 πr³। ठीक है, तो ये दोनों आपको लर्न होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन लगेगा। अब देखो दोनों का
अब एक के एक आपका स्फेयर है और एक क्या है हेमी स्फेयर है, और उनके मान लेते हैं जो वॉल्यूम है स्फेयर का वो है 4/3 और पाई आर वन क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका भी अगर आर मानोगे इसका भी तो कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है और दूसरा जो हेमी स्फेयर है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 क्या मान लेते हैं आर टू क्यूब। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ? क्योंकि उनके रेडियस में क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी हो गया। अब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर, मतलब स्फेयर का जो रेडियस है आर वन है इज इक्वल टू थ्री टाइम्स अच्छा ध्यान दीजिएगा, थ्री टाइम्स ऑफ क्या, हेमी स्फेयर का रेडियस है। तो मान लेता हूँ जो आर टू है हेमी स्फेयर का जो रेडियस है वो आर है, क्या है आर है, तो उस हिसाब से क्या बोला है रेडियस ऑफ स्फेयर इज थ्राइस द रेडियस ऑफ हेमी स्फेयर, तो हेमी स्फेयर के रेडियस का थ्राइस है, ठीक है। तो अगर आर टू आपका हेमिस्फीयर का रेडियस वो आर लेट किया तो स्फीयर का रेडियस आर वन कितना हो जाएगा 3r, बस काम खत्म। इन दोनों का रेशियो ही पूछा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का रेशियो ये v1 मान लो और ये क्या मान लो v2 मान लो, अपॉन कर दो सिंपल, ठीक है। तो आ जाओ फिर कुछ बचा ही नहीं, 4/3 पाई खत्म, आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब। तो आर वन की वैल्यू बताइए कितनी है, एक मिनट देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर बाबू 2/3 होगा, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा, हमें बताया था बस लिखने में गलती कर दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई कट गया और बचा क्या, 4/3 अपॉन क्या 2/3, और इधर R1 की वैल्यू अच्छा बताओ कितनी है, 3R का क्या होल क्यूब हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी है, ये तो सर R ही है और क्यूब लगा है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक। चलो अब कटपिट करो, ये क्या होगा देखो ध्यान से, पलट जाएगा 4/3 और इनटू क्या 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 27R³ और ये अकेला R³, 3 × 3 = 27 R³ खत्म, 2 से 2 खत्म, और क्या बचा 3 × 9 = 27, ठीक है। और कुछ बचा है, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, 2/3, एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि 9 × 36 ऐसा कोई रेशियो है नहीं, आई थिंक थोड़ी बहुत कहीं गलती हो रही है, 4/3, अरे यार ये पलट जाएगा, क्या हो रहा है, ये पलटेगा ना, सॉरी 3/2 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 3 से 3 गायब हो जाएगा और यहाँ पे देखो 27R³ अपॉन क्या R³। अब चलो कर लेते हैं, आई थिंक आप लोग का आ चुका होगा, R³ खत्म और 2 से कट को डोगे तो ये हो जाएगा, बचा क्या 27 × 54 कितना हो जाएगा 54, तो कितना हो जाएगा 54 अपॉन क्या, नीचे कुछ बचा नहीं है 1, तो कोई ऑप्शन है, तो जी हाँ ऑप्शन थर्ड आप देख लीजिए क्या दिया है 54:1, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कुछ गलतियाँ हो गई, सॉरी फॉर दैट, है ना। यहाँ तक कोई आई थिंक डाउट नहीं होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता था, कि R1 जो है, R2 जो हेमिस्फीयर था उसका रेडियस आपका R मान लिया, तो पहले वाले वॉल्यूम का जो रेडियस हो जाएगा वो 3R हो जाएगा, उसके बाद इसका वॉल्यूम इसके हिसाब से R1 हो गया और R2 हो गया, दोनों का रेशियो ये आपका पलट गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और ये चीज़ें ऐसे हो गई, ठीक, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट करता हूँ, जस्ट अ मिनट, कहीं कोई डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। पॉपुलेशन दिया हुआ है सिटी का, जिसमें मैन और वुमेन का रेशियो दिया है कितना 12:1 है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन, नहीं 12:1 नहीं 12:11 है, ध्यान दीजिएगा 12:2 क्या है 11 है, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन आपका दिया है 460,000 और पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, मतलब इस रेशियो के हिसाब से वुमेन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बताने का मेरा पर्पज है, एक तो नॉर्मल तरीका मैं सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लेवल जो है वो इंक्रीज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में रेशियो में, और दूसरा मैं आप डायरेक्ट कैसे करोगे ये भी बता दूंगा। पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, ये किसका मेन और वुमेन का रेशियो है उनकी संख्या का, तो इनका जो टोटल होगा वो इसके इक्वल होगा, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि मेन और वुमेन ही तो टोटल मिला के जनसंख्या देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अभी दूसरा तरीका सुनिएगा, तो 11 × 22 = 23 कितना हो जाएगा 23, ये टोटल हुआ रेशियो के हिसाब से मेन और वुमेन मिलके टोटल बना दिया और टोटल जनसंख्या कितना दिया है 460,000,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तरीका है, ये हर जगह वैलिड होगा, बट शॉर्टकट कभी कभी दिक्कत कर जाता है, बता रहा हूँ कभी। तो अच्छा बताओ एक पे कितना होगा, तो एक पे हो जाएगा आपका कितना, 23 × 46, मतलब कितना हो जाएगा, इसको इससे कट कर लिख के मैं बताता हूँ ताकि और अच्छे समझो, ठीक है, 60,000, ठीक है, अपॉन क्या 23, कट कर दो, 23 × 46 कितना, 0, 4, 0, ठीक है। अच्छा ये एक का हो गया, लेकिन आपका किसका पूछा है, वुमेन, वुमेन कितनी थी टोटल, वुमेन थी, मेन वुमेन 11 थी, तो अब फिर 11 पे निकाल दो, तो एक पे अगर इतना है तो 11 पे यूनिटरी मेथड, 11 × 2 क्या 22 हो जाएगा, और 1, 2, 3, 4, 0 हो जाएगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा, 2,20,000, जो कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। आपके दिमाग में आओ सर सेकेंड मेथड, तो देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको किससे का पूछा था, वुमेन का पूछा था ना, और वुमेन का रेशियो क्या है 11, तो आप देख लो मल्टीपल इसमें खाली देख लो, तो 11 से क्या ये कटेगा, नहीं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो 11 × 2 क्या हो गया 22, केवल यही होगा, उस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो मेन का पूछता तो हम 12 से डिवाइड करके देख लेते, ठीक है, मल्टीपल खोज लेते, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा हो सकता है आधा ऑप्शन ऐसे कर देता, तब यही मेथड आपको करना पड़ता है ना, या 44 कर देता, ठीक। तो पहले जब क्वेश्चन आए तो पहले देख लो कि क्या कोई 2-3 मल्टीपल तो नहीं मिल रहा, अगर सिंगल मिल रहा है, जैसे 11 का एक अकेला था तो इसको लगा के मैं आगे बढ़ जाता, आप भी बढ़ जाइएगा, लेकिन अगर जो आपको 2 मिल रहा है तो आपको वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, और इस मेथड से भाई टोटल इनका रेशियो निकाल लिया, और टोटल जो दिया था जिसका, अगर यहाँ पे पूछता मैन का तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करता, 12 से पूरे को मल्टीप्लाई करता, 24 हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम लोग केवल 4 ही क्वेश्चन करते हैं, मतलब टोटल 9 पे होल्ड करते हैं, और कल आपका नेक्स्ट इस पार्ट 3 आएगा, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जल्द ही आप लोगों के बीच जीके के भी टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज मैं कर दूंगा, जो कि ICAR के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जीके और साइंस और साथ में सोशल साइंस, यही 3 है आपके, और मैथ लेके यही 4 हैं आपके टोटल, तो उसकी भी सीरीज जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा, कोई प्रैक्टिस सेट उठा लूंगा, कोई आपके पास हो कि सर इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दीजिए, तो आप बता सकते हैं, उस बुक से ही करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।